Red Weekend Stash. Red FM. Red FM पर Sunday Stars Attack. मनिष्का के साथ. सो इरफान के बारे में ऑफ कोर्स यू आर वेरी फेमस फॉर दिस अनलाइकली पेयरिंग आपका. आपने इरफान और दीपिका को अपने माइंड में देखा था ऐसे, मतलब चल जाएगा? नहीं ऐसे देखा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था कि ऐसे हो जाएगा, नेवर थॉट ऑफ इट. बट आई थिंक वी आल्सो स्टार्टेड फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों को एंजॉय करने लगे, दोनों का कैरेक्टर वाइल्ड लेवल परफॉर्मिंग, स्क्रिप्ट से भी एक लेवल ऊपर हो गया बिकॉज ऑफ देम परफॉर्मिंग बोथ ऑफ देम. एंड आई थिंक व्हाट दीपिका सेड कि वो इरफान से पहले मिली नहीं थी कभी. टेल अस पहली मीटिंग के बारे में प्लीज बताइए. नहीं पहले मिली नहीं थी, सेट पे ही पहले बार मिली थी. एंड देन व्हाटएवर शी सेड उसके बारे में जो भी सोचता था एंड व्हाटएवर, बट देन देयर फ्रेंडशिप आल्सो स्टार्टेड हैपनिंग व्हाइल दे वर शूटिंग. तो आप तो इरफान के साथ दोस्त हो, मतलब यार तो उस मतलब हम कोलीग्स हैं, हम साथ में काम कर चुके हैं. ही समवन हु यू नो व्हेन यू डू अ फिल्म विद पीपल ओवर 2 महीने 3 महीने के ऊपर, you become friends, you know. So definitely, and it's a working relationship. And it's a working, it's a bond you have made for life. I can guarantee you that. And even some of my directors from the past, some of my co-stars, I may not be in touch with them every day. See, we use this term friend very loosely. Are you a friend? Oh, she said they are good friends. How can she call him only a friend? So I think the term friend is very loosely used. And I can call you a friend and it can mean something totally different because only you and I know the bond that we share. Similarly, of course, Irfan is a friend, Shujit is a friend, but the strength of that friendship, you can never define it. You know, for some people it means a lot and for some people it's अरे इसने इसको दोस्त कैसे बोल दिया यार. You know what I'm saying? मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी फैन फॉर लाइफ. शॉपिंग की बड़ी. अच्छा बॉन्ड से याद आया, इरफान खान ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि व्हेन आई वाज इनफॉर्म्ड दैट दीपिका इज वर्किंग नेक्स्ट टू मी, तो मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि दो एक्टर्स को यू नो बात करने के लिए कुछ एक सिंगल टॉपिक होना चाहिए बॉन्ड करने के लिए. सो फाइनली मैं आगे नहीं पढ़ पाई कि वो क्या टॉपिक था कॉमन जिस पे आप लोगों ने बॉन्ड ओवर किया. आई डोंट नो, यू नो आई डोंट थिंक मैंने इतना सोचकर काम नहीं किया है इस फिल्म में. एंड व्हेन आई मेट हिम ऑन सेट आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, I didn't even bring up the conversation ki, oh, we are meeting for the first time. I just let it go, you know, like, you have to build that rapport and that equation very, very comfortably, very easily over a period of time, aur jo hona tha, wo ho gaya. And I think that is there in the film for all to see, the comfort level that we share and there's a certain kind of trust when two actors are looking at each other. I think you can see a lot of comfort and a lot of trust. You realize what I'm saying when you see the film. There's a lot of looks between Rana and Piku where they're not saying anything, there's no dialogues, but just through the eyes, so much is communicated. अब यही बात अगर दीपिका मैं तुमसे कहूँ कि हमसे हिंदी में कहो तो क्या होगा? नहीं कोई बात नहीं, आगे से मैं just saying हिंदी में. हाँ अनुष्का, but we need to ask Shujit कि जब आप इतने ब्रिलियंट एक्टर्स को ले रहे हो, अच्छा चाहे दिमाग हाई चेयर लॉकिंग या तो इस बात को करने के लिए तुम भी विजिट कर रहे थे क्या? अच्छा कैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे वो बोल रहे हैं कि पहली बार वो टॉपिक नहीं लेकर आए कि हम लोग जानते नहीं है, जब पहली बार दो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस मिलते हैं होता क्या है, मतलब एज यू नो और आप लोग नर्वस होते हो क्या कि भाई मतलब इनका, क्योंकि लड़कियों के बीच में आई हैव हर्ड कि यू नो झगड़े होते, तू तेरी बिकिनी मेरी बिकिनी से सफेद कैसे. लड़के हमको कैरेक्टर के हिसाब से कास्ट किया गया है, नॉट कि इरफान और दीपिका स्क्रीन पे रोमांटिक पेयर कैसे लगेंगे. We've not been cast as a romantic pair. We've been cast क्योंकि वो, you know, he's वो उस पार्ट के लिए सही है और मैं यहाँ सही हूँ. क्या ये सच है? Exactly, because you know you don't think like that because you know and when they are meeting first, जब मिल रहे हैं पहले दिन तो थोड़ा apprehensive तो होता ही है कि how they will interact because they have not met and but I think when I जब मैं script लेके गया था, जब उन्होंने पूछा था कि who is playing Rana and who is playing Baba, तो कब मैंने कहा मिस बाबा इज मिस्टर बच्चन एंड राणा इज इरफान. सो आई थिंक उन्होंने अपने माइंड में सोच लिया होगा कुछ ना कि चलो इरफान प्ले कर रहे हैं मेरे ऑपोजिट, एंड सेम वे इरफान ने भी सोच लिया होगा अच्छा दीपिका इज प्लेइंग माँ. तो एक माइंड प्रिपरेशन तो हो ही जाता होगा कहीं ना कहीं से.